This conference will previous now class be total student recorded. was 35, so that's why I am waiting for remaining students. Okay, but I think remaining student may not want to join our session. Okay, let's continue. तो बोलो previous class में कोई भी problems था, कुछ भी doubt था, बोलो students, कोई भी doubt है तो बोलो, otherwise हम लोग continue करेंगे. देखो जो आईपीएसएस का कैलकुलेशन पहले, है वो समझा दीजिए ना, हाँ बोलो कौन सा. अच्छा आईपीएसएस का कैलकुलेशन. आईपी एड्रेस का कैलकुलेशन जो प्रीवियस क्लास में बताए थे. अच्छा यस सर. तो ठीक है, एक बार बोल देते हैं आईपी एड्रेस कैलकुलेशन. लेकिन देखो वो अच्छा से समझना पड़ेगा, लेकिन ये तुम ऐसे ही मतलब उसको इजीली ले लोगे तो समझ में नहीं आएगा. डेली तुम बोलोगे कि सर एक बार फिर से बोलिए, तो डेली समझ में नहीं आएगा. मतलब तुमको समझना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा. इजी है बट उस तरह का इजी नहीं है कि अनकॉन्सेंट्रेशन करने से वो समझ में आ जाएगा. इजी है ठीक है, वो मतलब तुम्हारा वो जो आईपीएस कैलकुलेशन वो बेसिकली इजी है. बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन जिसका आता है उसका उसका हो जाएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन मस्ट. कि उतना भी इजी नहीं है कि बिना कॉन्सेंट्रेशन करने से ओनली सुन मतलब ओनली ओनली तुम सुनोगे तो हो जाएगा. तुमको ब्रेन में कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा ठीक है. तो बाकी लोग क्या बोलते हो, एक बार डिस्कस करें, यस बोलो सर, यस सर. ठीक है. क्योंकि देखो ये जो आईपी एड्रेस कैलकुलेशन ये तुम्हारा एग्जाम में तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ये हाई लेवल है, बेसिकली हाई लेवल का है. तुम लोग YouTube में एक वीडियो देखोगे नेटवर्किंग का, वो जो गेट फ्रॉम का लोग है ना, एक टीचर था ना रविंद्र बाबू राबूला, उसको जानते हो, YouTube में उसका वीडियो है रविंद्र बाबू राबूला. वो बेसिकली IISc बैंगलोर से एमटेक किया था, और वो सिस्को का बेसिकली एक नेटवर्क मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर था सिस्को में. तो वो बेसिकली जब हम गेट फ्रॉम में पढ़ते थे, मेरा तो एमटेक है जादवपुर से, उससे पहले हम गेट फ्रॉम से गेट क्रैक करने के लिए हम ट्रेनिंग लिए थे. तो क्लास में वो रविंद्र बाबू राबूला जो है वो बेसिकली हम लोग का क्लास लिया था. उसका यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो तो वो हम लोग को ये वाला कैलकुलेशन सिखाते. ये बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी अच्छा अच्छा बुक देख लो उसमें नहीं मिलेगा ठीक है. बुक में ये नहीं मिलेगा, ये बेसिकली उसका कैलकुलेशन. वो सिस्को में उस तरह से वो लोग काम करते थे, कैलकुलेशन करते थे ठीक है स्टूडेंट्स. तो मेरा एमटेक जादवपुर से है, और मेरा भी बीटेक तुम्हारा बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो वो जो धावा का पास है ना बनतला, बीटेक था. उसके बाद हम कुछ दिन एचसीएल में काम करके छोड़ दिए थे, और उसके बाद एमटेक कंप्लीट किए थे जादवपुर से आफ्टर गेटिंग चांस फ्रॉम थ्रू गेट एग्जामिनेशन. तो गेट में मेरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन तभी मिल गया था जादवपुर में. तो मेरा आईआईटी टारगेट था, लेकिन यही हुआ था ठीक है. तो छोड़ो तो बात, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये कैलकुलेशन तुम्हारा बुक में नहीं मिलेगा ठीक है. देखो तो पूरा कैलकुलेशन एक बार दिखा देते हैं. देखो किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो बोलो, बाकी लोग बोलोगे सर एक बार बोल दिए थे फिर से बोल रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं है तो रिप्लाई करो काइंडली, क्योंकि तुम्हारा एक फ्रेंड का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक बार बोलना चाहते हैं. बोलो रिप्लाई करो काइंडली रिप्लाई. ठीक है देखो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है. नेटवर्किंग का जितना भी पार्ट है उनमें से ये जो है आईपी एड्रेस बेसिकली ये तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हम लोग का मेन टॉपिक है, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाप नहीं है, हम खत्म कर देंगे ठीक ठाक. प्रैक्टिकल वो बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, वो थियोरी ओरिएंटेड नहीं होगा. क्लाउड कंप्यूटिंग मैक्सिमम ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, और प्रैक्टिकल करने का टाइम में बीच बीच में हम थ्योरी भी बोल देंगे वहां पर ठीक है. लेकिन उससे पहले आईपी एड्रेस वहां पर लगेगा, हर स्टेप में आईपी एड्रेस लगेगा. बिगिनिंग लेवल में नहीं लगेगा, लेकिन एडवांस लेवल में क्लाउड का आईपी एड्रेस अगर नहीं कैलकुलेशन या तो आईपी एड्रेस के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो एक भी मतलब वन स्टेप भी तो आगे बढ़ नहीं पाओगे ठीक है. तो स्टार्ट करो. सो बेसिकली आईपी एड्रेस तो डिस्कस हो गया था, तो आईपी एड्रेस कैलकुलेशन कैलकुलेशन आईपी एड्रेस कैलकुलेशन
देखो बेसिकली IPv4 में साइज ऑफ आईपी एड्रेस बेसिकली 32 बिट। IPv4 में IPv4 में साइज ऑफ मतलब आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट है वो बेसिकली 32 बिट है, 32 बिट होता है, ठीक है। IPv4 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में। तो देखो अगर 2 बिट होगा तो कितना बाइनरी नंबर हम लोग कितना नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना, 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर 3 बिट होगा तो 3 बिट से कितना नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 नंबर। अगर 4 बिट होगा तो 4 बिट से हम लोग कितना नंबर जनरेट कर सकते हैं ना, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16 डिफरेंट नंबर। साइमल्टेनियसली अगर तुम्हारा 32 बिट होगा तो कितना नंबर और कितना आईपी एड्रेस ही नथिंग बट वन टाइप ऑफ नंबर ना, बाइनरी नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं ना, 2 to the power 32 इक्वल टू जो भी होगा उतना नंबर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो इफ नंबर इज 2 बिट देन वी कैन जनरेट 2 to the power 2 इक्वल टू 4 बाइनरी नंबर। इफ 3 बिट देन 2 to the power 3 8 डिफरेंट नंबर। इफ 4 देन 2 to the power 4 16 डिफरेंट नंबर। साइमल्टेनियस इफ 32 बिट देन वी कैन जनरेट 2 to the power 32 एक्स है जो भी होगा कैलकुलेट करके उतना डिफाइंड नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इतना दूर क्लियर हुआ बोलो? क्लियर? यस सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, देखो इतना जो ये जो नंबर जनरेट होगा ये जो नंबर जनरेट होगा तो ये सब नंबर इसका हाफ नंबर, ये जो 2 to the power 32 इसका हाफ नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो नंबर होगा उतना नंबर तुम्हारा क्लास, उतना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास ए के लिए यूज होगा, क्लास ए के लिए यूज होगा 2 to the power 32 by 2, ठीक है, मतलब 2 to the power 31। ये वाला क्या है, इस तरह से 2 to the power 32 टोटल नंबर डिफरेंट नंबर जनरेट होगा 32 बिट से, ठीक है। इसका जो हाफ आप करो इसको 2 to the power 32 बाई 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 to the power 32 माई ऊपर इसको ऊपर में लेके जाओ ना इंटू 2 to the power -1 इक्वल टू 2 to the power 32 -1 इक्वल टू 2 to the power 31। तो ये 2 to the power 31 नंबर हाफ नंबर, इसका हाफ ये क्लास ए के लिए यूज होगा। बाकी कितना मेरे हैंड में है, इन हैंड कितना है 2 to the power 32 में से उसका जो हाफ नंबर 2 to the power 31 वो क्लास ए के लिए एज ए आईपी एड्रेस यूज होगा। बाकी कितना है मेरा इन हैंड बोलो? हेलो इन हैंड कितना है? हेलो सर। बाकी आईपी एड्रेस कितना है, रिमेनिंग हाफ दैट मीन्स 2 to the power 31, ठीक है। तो 2 to the power 31 को फिर से हाफ किया जाता है, 2 to the power 31 by 2 इक्वल्स टू 2 to the power 31 इंटू 2 को इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ -1 2 to the power 30। ये इतना आईपी एड्रेस, दिस अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस क्लास बी के लिए यूज होता है। बाकी कितना है, 2 to the power 30 मेरा इन हैंड है,
उसको फिर से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 to the power 30 -1 इक्वल टू 2 to the power 29। इतना नंबर्स ऑफ बाइनरी नंबर विल यूज फॉर क्लास ए बी सी। ठीक है, इस तरह से क्लास डी क्लास ई डिविजन होगा। समझ में आया? बोलो इतना। रिप्लाई करो, क्लियर? ये वाला आइडिया क्लियर? उसके बाद कैलकुलेशन दिखाएंगे, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। यस सर, यस सर। इतना दूर ठीक है? ओके ठीक है। अभी इसी को लेके क्लास ए क्लास बी क्लास सी कैलकुलेशन दिखाएंगे। देखो तो टोटल बी चीज बेसिकली 2 to the power 32, 2 to the power 32। इसको हम ना छोड़ो, ये वाला नहीं। टोटल बीटीज जैसे कि ये वाला पूरा है बेसिकली 32 बीट। कितना नंबर है? 2 to the power 32। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो वन पार्ट विल बी जीरो, अनदर पार्ट विल बी वन। ठीक है, जीरो एंड वन। ठीक है, तो ये जो बीट है इसका जीरो, जैसे कि अगर तुम 2 to the power 3 करोगे तो कितना नंबर जनरेट होगा? 8 नंबर। क्या क्या नंबर? पहले 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0, देन 1 0 1। ठीक है, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 1 1 1। तो देखिए इसका फर्स्ट बीट फिक्स्ड है 0, और इसका फर्स्ट बीट दो पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो देखो इन लोगों का फर्स्ट बीट 0 है तो 0 कर दो, इन लोगों का फर्स्ट बीट 1 है तो 1 कर दो। इसका जितना भी बीट रहेगा 8 बीट होगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका पहला बीट देखो, इन लोगों का पहला बीट, अगर ये 3 बिट लेके हम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला अगर 32 बिट होगा तो उन लोगों का भी फर्स्ट बिट क्या होगा? दो पार्ट में अगर डिवाइड करोगे, ये 3 बिट है, 8 नंबर है, 8 नंबर को दो टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो इन लोगों का देखो फर्स्ट बिट 0 है, इन लोगों का फर्स्ट बिट 1 है। रिमेनिंग बिट जो भी है छोड़ो, सिमिलरली अगर इस 2 to the power 32 बिट से जितना भी नंबर मेरे को मिलेगा उन लोगों का भी फर्स्ट बिट विल बी 0 एंड रिमेनिंग बिट विल बी 1। टू इक्वल डिवीजन में अगर डिवाइड करोगे तो इसका देखो ये वाला 0 होगा, इसका वाला देखो ये वाला 1 आएगा। बाकी रिमेनिंग बिट तो चेंजेबल है, ये तो चेंजेबल है। ठीक है, क्लियर? इतना दूर बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हेलो सर, एक तो पेपर तो टूट गया, मैंने थोड़ा ऊपर कीजिएगा, पूरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा? अच्छा, ऊपर तो कर नहीं पाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला कौन सा वाला पार्ट बोलो? ये वाला, ये वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पर लिख रहा है देखो, अगर 2 to the power 3 नंबर होगा, कितना नंबर होगा? 8 नंबर। इसे कितना नंबर जेनरेट कर सकते हम लोग? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 जीरो, वन जीरो, वन 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 जीरो, वन वन वन। तो देखो अगर ये 3 बिट है, 8 नंबर है, इसको दो इक्वल डिवीजन में अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 to the power 2 करके मतलब 4 4 होगा। इसका देखो फर्स्ट बिट 0 है सबका, इसका भी फर्स्ट बिट 0 है सबका, 1 है सबका। तो देखो इस तरह से अगर हम 32 बिट लेके करेंगे तो उन लोगों का भी फर्स्ट बिट 0 होगा, फिक्स बिट हो जाएगा ये वाला 1 बिट इसका, और अदर हाफ का नीचे वाला जो हाफ होगा इसका भी नीचे वाला हाफ रहेगा, उसका 1 बिट विल बी फिक्स, दैट इज 1। इसका 0 हो रहा है, इसका 1 हो रहा है। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर सर, क्लियर।
इसका क्या होगा बोलो तो, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, ये जो पार्ट है रिमेनिंग वाला पार्ट, ये तो ठीक है, ये तो एक क्लास ये हो गया, बाकी ये जो पार्ट है बाकी इसका क्या होगा बोलो? इसका दो बीट पहले से जीरो, इसका दो बीट होगा, इसका ये वाला पार्ट का तो वन, तो पहले दोनों का कॉमन था वन था, इसका जीरो होगा एक और इसका वन होगा, बाकी रिमेनिंग तो चेंजेबल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसका भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो फिक्स्ड है, पहले आ गया था जब पहले डिवाइड किए थे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट इसका जीरो होगा इसका वन होगा। फिर सवाल, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे, ये क्लास बी हो गया, इसको अगर डिवाइड करोगे तो वन वन तो है, ऊपर वाला का क्या होगा, वन वन जीरो, नीचे वाला का वन वन वन, बाकी वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से ये वाला क्लास सी हो जाएगा, बाकी इसको तुम लोग जो करोगे कर सकते हो। क्लियर बोलो? सर क्लियर। बेसिकली बाइनरी नंबर जिसका जितना क्लियर है उसका उतना इजीली वो कर पाएगा, बाइनरी नंबर, आईपी एड्रेस इज नथिंग बट बेसिकली बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर बेस करके वो बेसिकली डेवलप किया हुआ है, क्योंकि आईपी एड्रेस वो कंप्यूटर में, कंप्यूटर डिजिटल मशीन में हम लोग उसको मतलब टाइप करके उसको उसका अंदर में सेट करते हैं बेसिकली, तो डिजिटल मशीन कोई भी डिजिटल मशीन, राउटर, स्विच, कंप्यूटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटिंग मशीन है बेसिकली, तो उसके लिए तो डिजिटल वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब बाइनरी नंबर, ठीक है, इसलिए आईपी एड्रेस भी बाइनरी नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आईपी एड्रेस का जो नोटेशन हम लोग देते हैं एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू, ये बेसिकली बाइनरी डॉटेड डॉटेड डेसिमल नंबर, डीसी बेसिकली डॉटेड डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर से हम लोग इसको डॉटेड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, ऐसे को 192.168.1.1, तो ये बेसिकली बाइनरी नंबर से हम लोग डॉटेड डेसिमल में, ये दिस इज डॉटेड डेसिमल नंबर, इसका बांग्ला बाइनरी नंबर है ना, इसका बाइनरी नंबर तो है, ठीक है, जैसे कि 10.0.0.1, ये दिस इज डॉटेड डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी वैल्यू क्या है 10 का ना, 1 2 3 4 5 6 1 1 0, तो 1 2 4 हाँ यही, इसको कर दो 1 1 2 4 0, ये वाला चले 0 1 0 1 0, ये वाला 10 है, ये वाला 0 all 0 all 8 0 होगा, ये वाला 8 0 होगा, ऐसे करके 8 0 होगा, नेक्स्ट वाला भी 0 है, मतलब 8 0 है, 8 0 का लास्ट वाला 1 है, तो 7 0 लास्ट में एक जाके 1 होगा, तो दिस इज बाइनरी, बाइनरी वैल्यू, इसका जो कन्वर्सन ये वाला बेसिकली डॉटेड डेसिमल नोटिस, डॉटेड डेसिमल वैल्यू, ये वाला क्लियर, रिप्लाई समझ में आया? ओके, तो और क्या बोलना पड़ेगा, ए का रेंज क्या है, बी का रेंज क्या है, सी का रेंज क्या है, एक बार बोल देते ना कि यस सर रेंज कैलकुलेशन, ठीक है, तो देखो रेंज कैलकुलेशन बोल देते एक बार, क्लियर तो बोलो, अगर क्लियर नहीं है तो बोलो, हम फिर से बोलेंगे, बोलो टाप नहीं है, बोलो यस सर क्लियर, अच्छा ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो हो जाएगा तो सर, गेट एग्जाम में आएगा तो ये वाला जो इस तरह से जो हम दिखाए थे, गेट एग्जाम में अगर तुम किसी ने बैठोगे ये वाला याद करके रखोगे तो बहुत ही इजी से तुम कर पाओगे, मतलब कोई भी कैलकुलेशन ऑफ आईपी एड्रेस, इसको बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो क्लास है अच्छा, आज का सेकेंड हाफ से हम लोग का क्लाउड स्टार्ट कर देंगे, तो फर्स्ट हाफ में ये सब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड हाफ से अकाउंट क्रिएशन, क्लाउड के रिलेटेड चीजें स्टार्ट कर देंगे, सोमवार से तो पूरा क्लाउड रिलेटेड होगा, अच्छा लेकिन ये सब लगेगा इसलिए हम बोल रहे हैं, अच्छा क्लास है देखो, तो क्लास है में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल कितना ना, टू टू दावर कितना पॉसिबल है बोलो, टोटल आईपी एड्रेस क्लास ए में 31, ठीक है, टू टू दावर 31 तो रिप्रेजेंट हम लोग, हाँ टू टू दावर 31 1 2 3 4 इसमें देखो 8 बिट तो फर्स्ट जो 8 बिट है ये तुम्हारा क्लास ए के ए में एज ए नेटवर्क आईडी यूज होता है, नेटवर्क आईडी और रिमेनिंग 24 बिट यहां से लेके यहां तक तो ये वाला यूज होगा होस्ट आईडी, एज ए होस्ट आईडी रिमेनिंग बिट यूज होगा। तो रिमेनिंग बिट एज ए होस्ट आईडी यूज होगा। अच्छा तो देखिए इसमें एक बिट जीरो है ये तो फिक्स्ड है, पहले हम बता दिए थे, बाकी कितना है, बाकी तुम्हारा 7 बिट है वो चेंजेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला एक फिक्स्ड है ये, इसको लेके 8 बिट है, ये फिक्स्ड है क्लास ए के लिए, बाकी सब चेंजेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी चेंजेबल है, ऑनली क्लास ए में ये जीरो वाला फिक्स्ड है, ये इस तरह का, दिस इज जीरो ये फिक्स्ड है, दिस इज वन ये रिमेनिंग की बिक्री, दिस इज क्लास ए, बाकी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बी होगा, उसमें भी एक जीरो 10 फिक्स्ड हो जाएगा, बाकी रहेगा 11 फिर से इसको डिवाइड करेंगे, इसमें जीरो आ जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा 111 फिर से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। इसका रेंजेस क्या होगा, चलो ऑल जीरो टू ऑल वन, ऑल जीरो 1 2 3 4 5 6 7 ऑल जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऑल जीरो टू ऑल वन, ऑल जीरो अगर होगा तो 0.0.0.0 इसका बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, ठीक है वो हम नहीं दिखा रहे, लास्ट वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो ये वाला देखो इसमें तो जीरो फिक्स्ड है ऊपर से आ रहा है, बाकी सब वन होगा, 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 7 1 से कितना होगा, 1 20 7 7 dot 255 dot 255 dot 255 ठीक है, लेकिन ये लास्ट एड्रेस है, ठीक है ये लास्ट, दिस इज लास्ट एड्रेस है और ये वाला फर्स्ट एड्रेस है एंड दिस इज फर्स्ट एड्रेस, तो कोई भी तो ये वाला नेटवर्क, इसमें कितना नेटवर्क पॉसिबल है, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल 231 नेटवर्क कितना 1 है 7 1 टोटल
नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास ए, कितना नेटवर्क पॉसिबल है बोलो तो, 2 to the power 7, 2 to the power 7, ये वाला डीसी नेटवर्क के लिए, ये वाला पूरा ही नेटवर्क के लिए, लेकिन एक तो जीरो है उसको छोड़ दो, 2 to the power 7 टोटल नेटवर्क, 2 to the power 7 इतना टोटल नेटवर्क पॉसिबल है। अब कितना होस्ट पॉसिबल है ना, 8 + 8 + 8 टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है कितना, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है, होस्ट मतलब कंप्यूटर जिसको तुम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, कंप्यूटर नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड और होस्ट, नोड और होस्ट जो भी बोलोगे, कंप्यूटर जो भी बोलोगे, पॉसिबल है कितना है, 2 to the power 24, ठीक है, इतना कंप्यूटर को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इतना टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क है और पार नेटवर्क इतना करके तुम्हारा होस्ट है, नोड है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 2 to the power 7, पार नेटवर्क इतना करके होस्ट पॉसिबल है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 to the power 24 इंटू 2 to the power 7 कितना है, 2 to the power 31 हो जाएगा, 2 to the power 24 + 7, तो 24 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 2 to the power 31, ठीक है। इसका लास्ट एड्रेस क्या है, 127.255.255.5 255, अब फर्स्ट एड्रेस ये तो यूज नहीं होगा, ये दो आईपी एड्रेस यूज नहीं होगा, इसका जस्ट नीचे वाला और इसका जस्ट ऊपर वाला यूज होगा, तो इसका कौन कहां से स्टार्ट होगा यूज ना, 1.0.0.0 और कहां तक चलेगा, यूजर को हम दे पाएंगे ना 126.255.255.255, यहां से लेके यहां तक हम लोग यूज कर पाएंगे, बाकी ये वाला तुम्हारा ये जो क्लास ए है, क्लास ए का नेटवर्क आईडी एज ए नेटवर्क आईडी यूज होगा फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला क्लास ए का ब्रॉडकास्ट आईडी एज ए यूज होगा बीआईडी। ओके क्लियर, रिप्लाई। हेलो सर, क्लियर। क्लियर तो रिप्लाई। ठीक है, तो क्लास बी एंड सी बोलना पड़ेगा, बोलो क्लास बी एंड सी एक बार बोल देते हैं, बोलो। हेलो, तो क्लास बी एंड क्लास सी भी बोल देते हैं। अच्छा, उससे पहले ये था क्लास ए, क्लास बी एंड सी भी बोल देंगे, उससे पहले दो तीन क्वेश्चन दे रहा है, एक बार करो असाइनमेंट, ये वाला असाइनमेंट करके चैट बॉक्स में सबमिट करो। नंबर 1 0.0.0.0, व्हाट इंडिकेट बाय दिस आईपी, नेक्स्ट 10.10.10.10 इन व्हिच group this IP remain, ये दो क्वेश्चन करके चैट बॉक्स में सेंड करो, तुम लोग करो, दो मिनट जस्ट हम आ रहे हैं, ठीक है, करके सेंड करो, ठीक है, इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को करके चैट बॉक्स में सेंड करो, जस्ट 2 मिनट हम आ रहे हैं एक बार, ओके, तो आते पानी पी लेते, कंटिन्यू करके सेंड करो, हम आके देखेंगे, ओके, कंटिन्यू। हमें ऑडिबल स्टूडेंट रिप्लाई, ये करके रखा, हम आ रहा है ना सर, ये करो है, करके सेंड करके रखो, हम आके देखेंगे, जस्ट 2 मिनट कंटिन्यू करो, दो क्वेश्चन, उसके बाद क्लास बी एंड क्लास सी डिस्कस करेंगे, ओके।
ठीक है, आंसर सबका ठीक ठाक ही है। तो देखो बेसिकली ये जो आई दिस एड्रेस बेसिकली इसको इसका दो फंक्शनलिटीज है। ये बेसिकली क्लास है नेटवर्क आईडी है, क्वेश्चन नंबर वन। ये असाइनमेंट है, इसे मार्क्स है, जो जिसका जिसका आंसर है उसको मार्क्स मिले। सो 0.0.0.0 इज नोन एज क्लास ए, नोन एज क्लास ए नेटवर्क आईडी। और इसका और एक नाम है क्लास ए नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो 0.0.0.0 क्लास ए नेटवर्क आईडी। ठीक है, क्लास ए नेटवर्क आईडी। सो क्लास ए नेटवर्क आईडी बेसिकली 0.0.0.0 क्लास ए नेटवर्क आईडी, ठीक है। और इसका और एक नाम है इंटरनेट, इंटरनेट आईपी एड्रेस। इसे इंटरनेट आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे कि सपोज एक ऑफिस है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, इसका खुद का नेटवर्क है, ऑफिस बिल्डिंग का खुद का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आउटसाइड जो नेटवर्क है इसका आईपी एड्रेस होता है 0.0.0.0। तो इसका जो राउटर होगा, इसमें जो राउटर रहेगा, राउटर, ठीक है, इसका ऑफिस में जितना भी कंप्यूटर डेस्कटॉप रहेगा, जितना भी कंप्यूटर डेस्कटॉप ये सब रहेगा इसका ऑफिस में, कंप्यूटर डेस्कटॉप, वो आउटसाइड वॉल से कम्युनिकेट करने के लिए जो आईपी एड्रेस इसका ये वाला पोर्ट में, राउटर का दिस पोर्ट में जो आईपी एड्रेस होगा वो बेसिकली दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसको तुम बोल सकते हो दिस इज ए क्लास ए नेटवर्क आईडी और इंटरनेट आईपी एड्रेस। क्लियर, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे कि 127.0.0.0 ये बेसिकली तुम्हारा लुकबैक आईपी एड्रेस, और यू कैन से क्लास ए आईपी एड्रेस, वन टाइप ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस ब्रॉड का है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला तुम्हारा क्लास ए नेटवर्क आईडी, क्या इंटरनेट आईपी एड्रेस और क्लास ए नेटवर्क आईडी। ओके, रिप्लाई करो, ठीक है। ओके सर, ओके, नेक्स्ट क्लास बी एंड क्लास सी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड हाफ से पूरा हम लोग का स्टार्ट हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, तो अभी क्लास बी क्लास सी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जो आईपी एड्रेस कैलकुलेशन याद करके रखोगे ठीक से, बहुत दूर बहुत जगह काम पे लगेगा, ठीक है। और ये वाला इतना इस तरह का कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, तुम देख लो, ठीक है। मेरा ये मेरा वारंटी है, बुक में, हाँ यूट्यूब पे मिल सकता है, लेकिन बुक में, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इस तरह का। क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बोलो तो कितना पॉसिबल, आईपी एड्रेस पॉसिबल 2 to the power 30। एकदम 2 to the power 30, बहुत अच्छा है। नाम क्या है बोलो, आशुतोष। एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा तो तुमको, ठीक है। 80 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, चाप नहीं है, 2 to the power 30। अच्छा तो देखो पहले डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब 16 बिट फॉर नेट आईडी एंड 16 बिट फॉर होस्ट आईडी। अच्छा आशुतोष, पीयूष एंड इसी का एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा 8 बिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना बिट रिजर्व रहेगा बोलो तो, कितना रिजर्व बिट होगा यहाँ पर। ये तो ये वाला था 0 1, ये क्लास ए था, इसको फिर से डिवाइड करके 1 तो यहाँ पर कॉपी कर लो, जस्ट 0 यहाँ पर बैठे दो और 1 एक ले लो यहाँ पर, ये बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1 0 1 and 0 फिक्स्ड है, बाकी 6 बिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैक्सिमम 8 हो सकता है, 1 0 तो फिक्स्ड हो गया, बाकी 6 यहाँ पर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। अच्छा देखो जस्ट 2 मिनट 1 मिनट है जस्ट 1 मिनट
स्टूडेंट्स ओके सॉरी हाँ सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम ओके अच्छा तो स्टूडेंट्स देखो तो इतना तो क्लियर तो बोलो पहले, अगर क्लियर नहीं है तो मतलब तुम लोग का टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। बोलो सिद्धार्थ उत्कर्ष पास क्लियर तो सबका क्लियर तो कोई भी इश्यूज नहीं है तो बोलो। अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ठीक है, क्योंकि मेरा इतना ठंड लग गया है बेसिकली तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, इसलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा तो देखो यहाँ पर ये वाला अच्छा से देख लो, ये नेटवर्किंग का मेन पार्ट यही है। अगर आईपी एड्रेस खुद से कैलकुलेशन सीख जाओगे तो बाकी तो थ्योरी है ठीक है, और क्लाउड में ये बहुत लगेगा हम दिखाएंगे ठीक है, लेकिन बिगिनिंग लेवल में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डीपीसी डीपीसी क्रिएट करोगे क्लाउड में जाके, उसके बाद तुम इलास्टिक लोड बैलेंसर ये सब क्रिएट करोगे तो वहां पर लगेगा ये सब ठीक है। इश्यू टू इंस्टेंस किस तरह से क्रिएट करोगे, वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट करोगे, जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर में विंडोज है तुम एक लिनक्स लिनक्स मशीन क्रिएट करोगे ठीक है, तो ये सब तुम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। ओके तो सीरीज तो 10 फिक्स्ड, बाकी देखो ऑल जीरोस टू ऑल वन, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तो देखो कितना होगा 128, ये वाला 128। नेक्स्ट डॉट दिस इज डॉट, देखो ये जो नंबर है दिस नंबर इज बेसिकली, ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ये बेसिकली बाइनरी नंबर, तो आईपी एड्रेस में बेसिकली बाइनरी टू डॉटेड डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज डॉटेड डेसिमल, दिस इज डॉटेड डेसिमल, ये जो नंबर हो रहा है ये डॉटेड डेसिमल है 120.0.0.0 ओके तो 128.0.0.0 ओके। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या होगा, तो ये वाला नंबर तो यूज नहीं होगा, ये तो एज ए नेटवर्क आईडी यूज होगा, इसका जस्ट नेक्स्ट आईपी एड्रेस वो वाला क्या है 120 क्या होगा बोलो 129.0.0.0 यहाँ से यूज होगा, कब कितना दूर चलेगा ये तो सेम है, एक ही बार बार बोल रहा है ठीक है, तो फिर से बोल देते एक बार थ्रू जब ये सेस खत्म कर देते हैं, तो 10 तो फिक्स रहेगा, बाकी 6 वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तो यहाँ पर ऑल ऑल 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तो ये क्या होगा 191.255.255.255 ठीक है, तो ये वाला तो यूज नहीं होगा, इसका जस्ट पहला वाला 190 ओके ठीक है 190.255.255.255 ठीक है, तो इतना से इतना दूर बेसिकली
क्लास बी आईपीएडिस, इतना दूर क्लियर है, रिप्लाई करो, उसके बाद क्लास सी बोल देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो छोटा मोटा पार्ट बाकी वो डिस्कस कर लेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, रिप्लाई करो। अच्छा नेक्स्ट क्लास सी देख लो एक बार तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें कितना होस्ट नेटवर्क पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास बी, टू टू दी पावर फोर्टीन। समझ में आया तो क्यू टू टू दी पावर 14? क्योंकि देखो ये वाला नेटवर्क के लिए टू बी टीच रिजर्व 10 रिजर्व, तो ये तो यूज नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 ना, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो 28 बिट मतलब 16 बिट में से दो बिट तो रिजर्व है, तो 14 बिट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना दूर, तो 14 बिट होगा, टू टू दी पावर 14 नेटवर्क के लिए यूज होगा, और बाकी होस्ट के लिए कितना होगा, टू टू दी पावर 16, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन क्लास बी इज 2 to the power टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल क्लास बी शुड बी 16, ओके 2 to the power 16। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, तो ये क्लास बी का है, क्लास सी का लिए डिस्कस कर लेता हूं। क्लास सी, तो क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल ठीक है, बाकी बाद में कैलकुलेट करते हैं, इस पहले इसको कर लो। तो देखिए यहाँ पर कितना बिट रिजर्व रहेगा ना, 1 1 0 3 बिट, बाकी 5 बिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पर नेट आईडी कितना होगा, 24 बिट फॉर नेट आईडी, बाकी 8 बिट फॉर होस्ट आईडी, बट कितना नेटवर्क पॉसिबल है रियल में, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, टोटल नंबर नेटवर्क पॉसिबल इक्वल्स टू 2 to the power 21, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इक्वल्स टू 2 to the power 8,
टू टू दी पावर एट। ओके अच्छा तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑल जीरो टू ऑल वन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो वन तो उसको 64 कितना है, अच्छा 192.0.0.0 ठीक है। तो स्टार्ट होगा कहां से, 193.0.0.0 बाकी तो यहां पर है 110 ऑल वन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो 223.255.255.255 इसका जस्ट ऑपोजिट 222.255.255.255 ठीक है। इतना यहाँ पर यूज होता है, ठीक है क्लियर, रिप्लाई करो। स्टूडेंट्स काइंडली रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई, चैट बॉक्स में काइंडली रिप्लाई करो। रिप्लाई है, रिप्लाई करो। ओके ओके तो दो तीन क्वेश्चन पहले दे देते हैं उसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्किंग डिस्कस करके अटेंडेंस लेंगे, फास्ट अप है अटेंडेंस होगा। ठीक है चलो क्वेश्चन बाद में देंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा नेटवर्किंग मॉडल्स ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, नेटवर्किंग मॉडल्स बाकी अभी, नेटवर्किंग मॉडल्स ठीक है। तो क्या क्या नेटवर्किंग मॉडल्स अवेलेबल है बोलो तो, व्हाट आर द नेटवर्किंग मॉडल्स अवेलेबल, व्हाट आर द नेटवर्किंग मॉडल अवेलेबल, नेटवर्किंग का क्या क्या मॉडल अवेलेबल है बोलो, जो भी आइडिया है ट्राई करो। जो भी आइडिया है बोलो,
टीसीपी आईपी एंड वाईफाई मॉडल, ओके बाकी टीसीपी आईपी वाईफाई बोलो नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट जो भी आइडिया है बोलो। इसका जो भी आइडिया बोलो टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल नेक्स्ट। TCP/IP and OSI model. हाँ ठीक है। There are basically two networking model available. One is TCP/IP and OSI model. OSI and TCP/IP. ठीक है तो networking layers यहाँ पर देख लो क्या क्या layers है। OSI में basically कितना layers है बोलो। How many layers available in OSI model? How many layers available in OSI model? So 7 layers available in OSI model. ठीक है तो layers क्या क्या है देखो एक बार बोल देते हैं। देख लो क्या क्या मॉडल layers available है। ओके 7 layers अवेलेबल है तो 7 layers क्रिएट करो। ठीक है तो फिजिकल लेयर फिजिकल फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन 7 layers अवेलेबल है। ठीक है एंड टीसीपी आईपी मॉडल में कितना लेयर्स है बोलो तो टीसीपी आईपी में 5 layer। तो व्हाट आर दोस 5 layer What are those 5 layers? Reply. Hello. जो भी आइडिया बोलो ना चाप नहीं है। This is TCP/IP.
है डाटा लिंक, फिजिकल फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर तो है, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये सब मिला के एकदम पूरा ट्रांसपोर्ट किए हो गया। बाकी तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर ऑलरेडी है, डाटा लिंक लेयर भी अवेलेबल है, और ये वाला फिजिकल लेयर अवेलेबल है। अच्छा बोलो तो एप्लीकेशन लेयर क्या, वो फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, एंड टू एंड नहीं है एप्लीकेशन लेयर का, हाँ बेसिकली एप्लीकेशन को ओपन करना है, मतलब इंटरेक्ट थ्रू एप्लीकेशन विद यूजर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली इंटरेक्शन होता है, बेसिकली जैसे पोर्ट आईडी है, पोर्ट एड्रेस, यूआरएल्स, यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में ब्राउजर, यह सब यहाँ पर ओपन होता है एप्लीकेशन। अच्छा व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये नहीं लगेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फंक्शन तभी डिस्कस कर लेते। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है बोलो, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अच्छा नेटवर्क लेयर, ना ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, बोलो नेटवर्क लेयर, ऑनलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर, ना ना नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या है बोलो तो, ऑलवेज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ना नेटवर्क लेयर बोलो, राउटिंग, 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 राउटिंग एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर भी कंट्रोल किया जा सकता है, एंड राउटिंग कॉमा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं नेटवर्क लेयर में, आईपी, आईपी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी होता है वहां पर। और डेटा, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर,
रिप्लाई करो। डेटा लिंक लेयर बेसिकली डेटा लिंक लेयर कलेक्ट द बिट्स, ये जो 01 01 01 फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, ठीक है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो फ्लो 01 01 ये कंट्रोल होता है बेसिकली, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर में होता है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, फ्लो एंड एरर, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल लेयर, नेक्स्ट इज फिजिकल लेयर, वर्किंग्स ऑफ फिजिकल लेयर, वर्किंग्स ऑफ फिजिकल लेयर, रिप्लाई। बोलो फिजिकल लेयर, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी, ना ना फिजिकल लेयर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी क्या करेगी, ठीक से बोलो फिजिकल लेयर। बेसिकली डेटा को सिग्नल मोड में ट्रांसफर कर देते हैं, सिग्नल मोड में, जैसे कि 01 सिग्नल, ये तो 0101 डेटा डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर से जो डेटा आता है उसको सिग्नल पे कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली। फिजिकल लेयर मतलब ये वायर है, वायर कम्युनिकेशन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर वायर कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब तुम्हारा लैन रहेगा, लैन लैन कनेक्शन और मैन कनेक्शन और वन कनेक्शन, ये सब कनेक्शन यहाँ पर कनेक्टेड रहता है फिजिकल डिवाइस से, एनआरजेड एनकोडिंग मैनचेस्टर एनकोडिंग ये सब होता है यहाँ पर, ठीक है, एनआरजेड इनकोडिंग मैनचेस्टर इनकोडिंग ये सब यहाँ पर होता है। तो डेटा बेसिकली 01 01 0 इस तरह का सिग्नल में कन्वर्ट होता है, सिग्नल में कन्वर्ट होकर दूसरा कंप्यूटर में वो ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर तुम्हारा फिजिकली कनेक्टेड है तो थ्रू लैन। क्लियर, बोलो रिप्लाई। ओके क्लियर रिप्लाई। हेलो, अच्छा ठीक है, तो ये था बेसिकली सर। नेक्स्ट कुछ, हाँ बोलो। अच्छा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये वाला कर लो, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे, सेकंड हाफ से मशीन लर्निंग तुम्हारा जो क्लाउड स्टार्ट होगा। देखो कुछ क्वेश्चन आप दे रहा है, असाइनमेंट नंबर वन, फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। अभी मत करो, जब बोलेंगे तो करोगे, अभी वेट करो। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन इन व्हिच ग्रुप दिस, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन इन व्हिच दिस ग्रुप आईपी रिमेन थ्री Thank you.
व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ लोकल होस्ट लूपबैक एड्रेस, ये तुम लोग जानते हो तभी दे रहा है। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये पांच क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में करके सेंड करो, ठीक है? उसके बाद अटेंडेंस हम लेंगे। कंटिन्यू, सेकेंड हाफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, उससे पहले ये वाला कंप्लीट करो। कंटिन्यू, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर, रिप्लाई। व्हाट्सएप में हम क्वेश्चन दे रहे था सर, हाँ बोलो, व्हाट्सएप में दे रहा है क्वेश्चन, व्हाट्सएप में ठीक है करो। सेंड करो, हो जाएगा तो सेंड करो। अरे व्हाट्सएप में आंसर सेंड मत करो, चैट बॉक्स में सेंड करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर सेंड मत करो, चैट बॉक्स में करो। सेंड करो, है
ठीक है, सेंड करो, जिसका नहीं हुआ है अभी सेंड कर दो, हम चेक कर रहे हैं, सेंड कर दो। सेंड करो। और एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका नहीं हुआ कर दो, चेंज कर दो। सेंड करो, जिसका नहीं हुआ है, टाइम ज्यादा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस तो क्या क्या नेटवर्किंग डिवाइस है, बेसिकली यूज होता है राउटर, राउटर, स्विच एंड हब। ठीक है, तो कौन सा लेयर, कौन सा डिवाइस, कौन सा लेयर में काम करते हैं बेसिकली, वो एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन,
सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फिजिकल डेटा लिंक फिजिकल फिजिकल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो हाफ बेसिकली फिजिकल लेयर डिवाइस है, हाफ बेसिकली फिजिकल लेयर डिवाइस। और तुम्हारे यहाँ पर जो स्विच होता है, ये बेसिकली डेटा लिंक एंड फिजिकल बोथ लेयर में काम करते हैं स्विच। और नेटवर्क लेयर में तुम्हारा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर में राउटर का काम होता है बेसिकली, राउटर। ओके, राउटर। ओके, सो राउटर बेसिकली नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, ये तीनों लेयर में काम करेगा। स्विच तुम्हारा डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर काम करेगा, स्विच एंड हाफ फिजिकल लेयर में काम करेगा, हाफ। ओके, डीप लाइट बेसिकली हाफ का हाफ बेसिकली राउटर इज मोर इंटेलिजेंट देन स्विच एंड स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हाफ। ठीक है, तो हाफ से इंटेलिजेंट क्या है स्विच, स्विच से इंटेलिजेंट क्या है राउटर। ठीक है, तो किस तरह के यूज किया जाता है हाफ बेसिकली, इस तरह का होता है हाफ। उसके साथ बहुत सारा पोर्ट रहता है, पोर्ट में हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते इस तरह से हाफ का। दिस इज बेसिकली साइन ऑफ हाफ है। अच्छा, स्विच का स्विच किस तरह से यूज होता है बेसिकली, स्विच भी तुम्हारा एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज होगा। ये स्विच का साइन ये वाला है, साइन, दिस इज अ साइन ऑफ स्विच। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ स्विच, इस तरह का होगा, दिस इज स्विच। राउटर ये वाला राउटर साइन। तो बेसिकली अगर राउटर का जितना पोर्ट होगा उतना नेटवर्क होगा। ये वाला राउटर में कितना पोर्ट है, दो पोर्ट है, तो इसमें दो नेटवर्क होगा, टू नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट होगा। बेसिकली राउटर डिवाइड्स नेटवर्क है, तो यहाँ पर दो नेटवर्क क्रिएट होगा। अगर एक राउटर में, तो दिस इज ए राउटर, इसमें सपोज तीन पोर्ट है, तो कितना नेटवर्क होगा बोलो तो, ये वाला राउटर में कितना कितना नेटवर्क होगा अगर तीन पोर्ट रहेगा तो कितना नेटवर्क होगा। हाउ मेनी नेटवर्क पॉसिबल इन दिस फॉर दिस राउटर, अगर दो पोर्ट रहेगा तो दो नेटवर्क होगा, नेटवर्क वन नेटवर्क टू, तो तीन नेटवर्क होगा। ये वाला एक, दिस इज वन नेटवर्क, दिस इज वन नेटवर्क एंड दिस इज अनदर नेटवर्क, नेटवर्क वन नेटवर्क टू नेटवर्क थ्री, तीन नेटवर्क। ठीक है, रिप्लाई करो, किसी का डाउट है बोलो, प्रॉब्लम्स डाउट है बोलो। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा है बोलो। हाउ मेनी नेटवर्क पॉसिबल बाय यूजिंग ए हाफ if the hub
कॉन्टेन इफ द हाफ कॉन्टेन हाउ मेनी नेटवर्क पॉसिबल बाय यूजिंग ए हाफ इफ हाफ कॉन्टेन्स फोर पोर्ट सेवन हाउ मेनी नेटवर्क possible using a switch if the switch contain three ports and how many network contain possible if a router contain five ports ये आंसर करो अगर एक हाफ चार पोर्ट रहेगा हाफ में तो कितना नेटवर्क क्रिएट होगा नेक्स्ट अगर एक स्विच में तीन पोर्ट रहेगा तो कितना नेटवर्क क्रिएट होगा अगर एक राउटर में पांच पोर्ट रहेगा तो कितना नेटवर्क क्रिएट होगा ओके तो सॉल्व दिस थ्री क्वेश्चन कंटिन्यू एंड सेंड मी द आंसर थ्रू चैट बॉक्स क्लियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर रिप्लाई हेलो रिप्लाई अच्छा आंसर करो शुभम आदक 005 ना शुभम आदक अच्छा संजीव 005 इसिका 405 नेक्स्ट ठीक है काइंडली इसका आंसर सेंड करो ओके काइंडली इसका आंसर सेंड करो ठीक है आंसर सेंड करो हम चेक करेंगे और थोड़ा सा पानी पे हम पी लेते हैं तुम लोग सेंड करो कंटिन्यू सेंड करो उसके बाद अटेंडेंस होगा
ठीक है हो गया। अच्छा देखो देखो आंसर विल बी 005 ठीक है। क्यों देखो क्योंकि देखो आंसर विल बी 005 0 0 and 5 क्यों देखो क्योंकि राउटर डिवाइड्स नेटवर्क है। सपोज एक राउटर है उसमें सपोज दो पोर्ट है तो टू पोर्ट रहेगा तो टू नेटवर्क होगा, फाइव पोर्ट रहेगा तो फाइव नेटवर्क होगा। और ये जो नेटवर्क है ये वाला नेटवर्क में हम लोग स्विच ऐड करके या तो हब ऐड करके कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं, स्विच या तो हब। ये एक स्विच ऐड कर इसके साथ हम लोग कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। ये एक सेम नेटवर्क में है, ये नेटवर्क को डिवाइड नहीं कर रहा है बेसिकली ठीक है। आंसर इज 005। सिमिलरली अगर तुम एक हाफ ऐड करोगे दिस इज हाफ हाफ भी तुम्हारा इससे साथ तुम बहुत सारा कंप्यूटर ऐड कर सकते हो बट ये नेटवर्क को डिवाइड नहीं करेगा। ये वाला नेटवर्क में है, दिस नेटवर्क में है, ये राउटर का ये वाला नेटवर्क में है। राउटर डिवाइड्स नेटवर्क, जितना पोर्ट रहेगा उतना नेटवर्क होगा। अगर पांच पोर्ट है तो पांच नेटवर्क होगा, अगर चार पोर्ट है तो चार नेटवर्क होगा। बट ये लोग डिवाइड नहीं करेगा नेटवर्क को, ये लोग ओनली नेटवर्क में एडेड रहेगा कंप्यूटर को ऐड करने के लिए। जैसे आंसर विल बी 005। सिक्स का आंसर 0, सेवन का आंसर 0, एट का आंसर 5 ठीक है। क्लियर, रिप्लाई करो एक बार। ओनली राउटर डिवाइड्स नेटवर्क, राउटर छोड़ के किसी का भी पावर नहीं है नेटवर्क को डिवाइड करने का ठीक है। ठीक है तो अटेंडेंस ले लेते हैं, वेट करो अटेंडेंस होगा, जस्ट वेट।